की दोस्ती की। दोनों किससे कितना प्रभावित होते हैं ये आप आए दिन देखते होंगे। जो सत्ता में है, ताकत में है, पुलिस उसके आगे पीछे घूमती है, गांव कहते हैं कि दुम हिलाती है। लेकिन जब वही नेता सत्ता से हट जाता है तो उसको उसी पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते हैं। तो पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल समाज में रहा है, लेकिन ये खाकी वाले, ये पुलिस के अफसर, ये नौकरी में रहते ही नेता बनना चाहते हैं। बहुत लोग नौकरी के बाद नेता बन जाते हैं। बहुत सारे लोग सियासी चोला इसलिए ओढ़ते हैं क्योंकि अतीत में किए गए पापों को दबाए रखा जा सके और उनके ऊपर कोई हमला ना होने पावे। लेकिन सफल वही लोग होते हैं सियासत में आकर जो सेवा में रहे हों, जिनकी छवि उज्जवल हो, ईमानदार हो और मेहनती और जातीय इक्वेशन में जो फिट बैठते हों। पुलिस में कई सारे अफसर ऐसे हैं जिन्होंने खाकी उतार कर खादी पहनी। हालांकि जब वो अपनी नौकरी में थे तो उस दौरान बहुत सारे अफसरों की राजनीतिक निष्ठा अपने राजनीतिक नेतृत्व के प्रति अलग अलग रही है और ऐसे अफसरों में बहुत सारे लोग शुमार रहे हैं। लेकिन जब उन नेताओं की ताकत घटी तो अफसरों ने भी पार्टी और पाला दोनों बदल लिया। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में डीजीपी रहे सुलखान सिंह की, जिन्होंने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है जिसका नाम है बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी। सुलखान सिंह उत्तर प्रदेश के ईमानदार और शानदार पुलिस अफसरों में उनकी गिनती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो डीजीपी बने और मुख्यमंत्री ने उनको फ्री हैंड दिया। फिर वो पुलिस सुधार आयोग के भी अध्यक्ष रहे। सुलखान सिंह की एक बेटी जज है। एक बार कुत्ता कांड को लेकर भी वो चर्चा में आए। लेकिन इन सबके ऊपर उनका एक कद है, वो कद है साफगोई का, सादगी का, ईमानदारी का, जो उनको बेमिसाल बनाता है। अब वो सियासत में कूद पड़े हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को मिलाकर करीब जो 15 जिले हैं उसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सुलखान सिंह कितने कामयाब होंगे ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन आज हम सुलखान सिंह के बहाने ऐसे अफसरों का भी नाम लेंगे जो वर्दी पहनते थे और बाद में खादी की शोभा बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले नाम उसमें आता है ब्रिजलाल का। ब्रिजलाल मायावती की सरकार में डीजीपी रहे हैं और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और भाजपा में रहकर वो मंत्री का दर्जा उनको मिला। भाजपा ने उनको राज्यसभा का इस समय मेंबर बना रखा है। तो ब्रिजलाल सेवा में उच्च पद पर डीजीपी रहने के बाद लगातार सत्ता में बने हुए हैं, या कहा जाए उनके सितारे लगातार चमक रहे हैं और ब्रिजलाल की अभी राजनीतिक पारी और लंबी खींचने की उम्मीद है। ब्रिजलाल के बाद नाम आता है अमिताभ ठाकुर का, जिनको सरकार ने जबरिया रिटायर कर दिया आईजी रहते, क्योंकि वो सरकार पर लगातार हमलावर थे, आंदोलन करते थे। कई बार उनकी जांच हुई, कई बार उनको संट पोस्टिंग में रखा गया, लेकिन अमिताभ ठाकुर भी मानने वाले जीव नहीं थे। सियासत में अफसरों का आना का एक ये अनुभव खट्टा है, क्योंकि अमिताभ ठाकुर को एक बार पुलिस उनके घर से उठा के जेल ले गई। अब बात आती है एक ऐसे अफसर की जो इस समय बहुत प्रभावशाली है, मिनिस्टर है। बात 1994 बैच के आईपीएस अफसर असीम अरुण की हो रही है। असीम अरुण की नौकरी करीब 8 साल बची हुई थी। वो एडीजी रैंक के अफसर थे, कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, लेकिन अचानक से उन्होंने इस्तीफा दिया और भाजपा के टिकट पर कन्नौज से चुनाव लड़े, विधायक बने और आज उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं। तो अधिकारी देखिए अपनी दूसरी पारी में कितने कामयाब हो जाते हैं, ये कुछ नाम आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ ये बात जरूर महत्व रखती है कि सबकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, कुछ की अधूरी भी रह जाती हैं, जिसमें आप अमिताभ ठाकुर को भी देख सकते हैं। अब सुलखान सिंह का भविष्य क्या होगा,
ये जो उनका बुंदेला प्रेम जागा है ये कितना कामयाब होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ब्रिजलाल और असीम अरुण इन दोनों के सितारे बुलंदी पर हैं, दोनों भाजपा का इस समय बड़ा दलित चेहरा है और दोनों को लगातार तवज्जो मिलती है। ऐसा लगता है कि असीम अरुण अभी लंबी रेस के घोड़े हैं, वो उत्तर प्रदेश में उनका कारवां रुकने वाला नहीं है, वो शायद दिल्ली तक आगे जाएं और आगे केंद्र में भी उनके मंत्री बनने के अवसर हैं। अब बात उत्तर